तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पोकालम मूवी के डे 6 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और थिएटर ऑक्यूपेंसी को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर फिल्म के ऑक्यूपेंसी की बात करें तो मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी रही 2.08%, आफ्टरनून में ऑक्यूपेंसी रही 5.75%, यहाँ पर इवनिंग में ऑक्यूपेंसी घट गई 4.797%, देखा जाए तो 5% ही रहा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नाइट शोज की तो ऑक्यूपेंसी अच्छी देखने को मिली 12.75%, और इस तरीके से ओवरऑल ऑक्यूपेंसी निकल कर आई है 6.39%। लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की मैं बात करूँ तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मतलब डे 5 डे 4 के इक्वली देखने को मिला 2 लाख रुपीज का। और अब तक अगर मैं बात करूँ फिल्म ने कितना का बिजनेस कर लिया है तो वो यहाँ पर निकल कर आता है सिर्फ 29 लाख रुपीज का, जो कि मुझे नहीं लगता है कि फिल्म शायद 1 करोड़ से भी नीचे के बजट में बनी होगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर भी तो शायद ये फिल्म मतलब जितना का कमाई है उससे तो शायद बजट भी रिकवर नहीं होने वाला है। और अगर फिल्म का बजट 1 करोड़ के ऊपर गया तो ये फिल्म एक डिजास्टर मूवी होने वाली है, क्योंकि 7 दिनों के अंदर भी मतलब कल अगर मतलब आज ये फिल्म चल रही है तो आज का डेटा भी अगर हम लोग जोड़ लें फिर भी इस फिल्म ने अभी तक ढंग का परफॉर्म नहीं किया है, बिजनेस अच्छा नहीं किया है। तो मुझे नहीं लगता कि उस हिसाब से देखें तो 7 दिनों का जो डेटा हमें बताएगा तो उससे तो नहीं लग रहा कि फिल्म का जो हालत है वो ठीक है। और 1 महीने में भी शायद ये फिल्म अपना जो भी कलेक्शन करे उससे शायद ही इस फिल्म का बजट रिकवर हो पाए। जोहार।